अमिताभ ठाकुर आखिर हैं कौन ये? क्योंकि आप देखते हैं कि विवादों से इनका गहरा नाता है और आप देखते हैं कि हर हमेशा ये सुर्खियों में बने रहते हैं। आप देखिए उत्तर प्रदेश में सरकार किसी की भी रही हो, इनका सरकारों से झगड़ा हमेशा रहा है और मुझे लगता है कि एक अधिकारी का ये होना भी चाहिए। आप देखिए अब सरकारों से आप मिल जाते हैं तो फिर अधिकारी किस बात के रह गए। खैर छोड़िए, आप देखते हैं कि मुलायम सिंह की बात कर लीजिएगा, मुलायम सिंह से काफ़ी इनका विवाद रहा है। मायावती की बात कर लीजिए या फिर आप देखिए योगी आदित्यनाथ यानी कि बीजेपी की बात कर लीजिएगा। बीजेपी के समय तो आपने देखा इन्हें जबरन रिटायर्ड भी कर दिया गया यानी कि समय से पहले ही इन्हें अपने पद से हटा दिया गया। तो आज इनकी कहानी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि कुछ भी कहिए बिंदास आदमी है। आप देखिए इनकी जो बीवी भी है वो भी बढ़िया, मतलब आप सोचिए अच्छा काम करती रहती हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता एक तरह से आप कह सकते हैं, RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन, इस तरह से आप देखिए सरकारों को काफी परेशान भी करती रहती हैं, कई बड़े मुद्दे भी उठाती रहती हैं। और आप सभी को बताया भी था कि RTI में कितनी ताकत होती है। आप RTI लगा के किसी के बारे में भी जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं, आपके क्षेत्र में कोई काम चल रहा है या आपका विधायक हो मंत्री हो या आप देखिए किसी भी छोटे से छोटे पंचायत नगर पालिका, अगर यहाँ से आप लोगों को कुछ भी जानकारी इकट्ठी करनी है, यहाँ के बारे में जानना है, कामों के बारे में जानना है तो RTI के जरिए आप सब कुछ उपलब्ध करवा सकते हैं। तो ये सामने आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहे होंगे और इनके बगल में एक प्लेट भी आपको दिखाई दे रही होगी। देखिए ये आपकी अमिताभ ठाकुर और जो IPS हैं और रहे हैं और जबरन रिटायर्ड किया गया था इन्हें योगी के समय में बीजेपी के। और अभी हाल में ही आपने देखा है कि इन्होंने ऐलान भी किया है कि योगी आदित्यनाथ जहां से भी विधायक का चुनाव लड़ेंगे वहां से भी चुनाव लड़ेंगे उनके खिलाफ, इसलिए भी काफी चर्चा में है। देखिए ये आपके बीच में आप देख सकते हैं अमिताभ ठाकुर, इनकी वाइफ है ये, इनकी बेटी है और ये देख सकते हैं इनका बेटा है। तो आप सभी जानते हैं कि अमिताभ ठाकुर ही इनका नाम है। इनका जन्म होता है 16 जून 1968 को। इनका जन्म होता है मुजफ्फरपुर बिहार में। एक बार आपको बिहार भी दिखा देता हूँ। देखिए यह है आपका बिहार और इसकी राजधानी आप सभी को मालूम है कि पटना है। और इससे लगे हुए राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़, माफ करिए उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये आपके बिहार से लगते हैं। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो नेपाल से लगती है। ठीक है, जब तक आपका झारखंड बिहार का बिहार के साथ था, बिहार का हिस्सा हुआ करता था, तब आप देखेंगे छत्तीसगढ़ से भी इसकी सीमा लगती थी। और ये उत्तर प्रदेश है आपका और इनकी अगर हम लोग जीवन साथी की बात करें तो डॉक्टर नूतन ठाकुर एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है और आप समझिए कि बहुत बिंदास मतलब आदमी मुझे तो लगे दोनों। इनकी अगर संतान की बात करें तो बेटी का नाम तान्या ठाकुर है और बेटी का नाम आदित्य ठाकुर है। और इनकी अगर हम लोग शिक्षा की बात करें तो IIT कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इन्होंने BTech किया हुआ है और IIM लखनऊ से FPM यानी कि PhD की हुई है। तो आप समझ सकते हैं काफी पढ़े लिखे हुए हैं। और इनके व्यवसाय की काम की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि पूर्व भारतीय पुलिस सेवा यानी कि IPS रहे हैं और कवि भी हैं और लेखक भी हैं और नेशनल RTI फॉरम के संस्थापक भी हैं। और अभी हाल ही में इन्होंने एक अधिकार सेना संगठन भी बनाया हुआ है। अधिकार सेना का मतलब है एक तरह से लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना। लोगों को कम से कम अपने अधिकार तो मालूम होना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि आपको मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं, लेकिन आप देखिए देश में कुछ ही परसेंट लोगों को मालूम होगा कि उनके आखिर अधिकार कौन कौन से हैं। तो इसी तरह उनका उन्हें जागरूक करने के लिए ये मंच बनाया हुआ है। अमिताभ ठाकुर की बात करें तो 1992 में अपने पुलिस कैरियर की शुरुआत की इन्होंने और ठाकुर ने 10 जिलों में पुलिस अधीक्षक यानी कि SP के रूप में काम किया है। उन्होंने खुफिया, सतर्कता, भ्रष्टाचार विरोधी, पुलिस प्रशिक्षण सहित कई विभागों में काम भी किया है। उन्हें सीधे SP के पद से महानिरीक्षक
यानी कि आईजी के पद पर पदोन्नति भी मिली थी। उनका नाम कई विवादों में जुड़ा रहा है। 2005 में आपने देखा होगा उन्हें सस्पेंड भी किया गया था, उन्हें गोंडा में पुलिस अधीक्षक के रूप में तैनात करते हुए निलंबित भी कर दिया गया था। उन पर आरोप लगाए गए थे कि अपराधियों को सशक्त लाइसेंस जारी करने का आरोप लगा था, और कई बार इन्हें एक तरह से इस तरह से निलंबित किया जाता रहा है। फिर पद पर आ जाते थे, फिर चले जाते थे। और आप सभी जानते हैं कि जब आप सरकारों के पक्ष में काम नहीं करेंगे, नेता जिस तरह से कहेंगे उस तरह से काम नहीं करोगे, तो आपको इस सजा मिलना तय भी है। आगे आप देखेंगे कि कई टिप्पणियां भी करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि पूर्व आईपीएस अधिकारी अपने बयानों को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं। अमिताभ ठाकुर किसी भी मुद्दे पर पक्ष रखने में हिचकिचाते नहीं हैं, और मुझे लगता है कि अगर आप ईमानदार हैं तो हिचकिचाएंगे क्यों। उन्होंने एक बार पुलिस द्वारा दी जाने वाली गार्ड गार्ड ऑफ ऑनर पर टिप्पणी को भी बंद करने की मांग की थी। ठाकुर ने उस समय तत्कालीन मुख्य सचिव आलोक रंजन को भेजे अपने पत्र में कहा था कि कुछ मंत्री निश्चित तौर पर आपराधिक पृष्ठभूमि के होते हैं, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देने से पुलिस बल का मनोबल गिरेगा और जनता को गलत संदेश भी जाएगा। ये तो आप सभी जानते हैं कि जो आपके लोकसभा और राज्यसभा हो, या आप देखिए विधानसभा सदस्य हो, आधे से अधिक दागी हैं, जिन पर आप देखेंगे हत्या का मामला लगा, केस लग चल रहा है, या बलात्कारी, या डकैती, भ्रष्टाचारी। ये तो हमारे देश के एक तरह से आप सोचिए कि राजनीति में परंपरा बन चुकी है कि आप जितने बड़े आपराधिक मामले इस तरह के काम करेंगे उतने बड़े ही आप नेता बन जाएंगे। वो तो अच्छा हुआ आप देखिए विकास दुबे मारा गया, वरना सोचिए आप लोग वो जेल में बैठकर ही, आप देखिए उत्तर प्रदेश में कई नेता हैं जो जेल में बैठकर ही अपना चुनाव जीत जाते हैं, समझ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं क्या है हमारे देश की राजनीति। और एक ईमानदार नेता आप देखिए किस तरह से चुनाव हार जाता है, ये भी आप जानते हैं। आपको अगर हम लोग गार्ड ऑफ ऑनर की बात करें तो एक तरह से ये प्रोटोकॉल होता है, सम्मान होता है, जो बीवीआईपी या बीआईपी लोगों को दिया जाता है, जैसे राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री या कैबिनेट मंत्री, ठीक है। अब विवाद भी देख लेते हैं हम लोग इनके। मुलायम सिंह की धमकी का ऑडियो किया था इन्होंने लीक। आप सभी जानते हैं कि 2015 की बात है कि मुलायम सिंह इन्हें धमकी दे रहे थे, अमिताभ ठाकुर को। इन्होंने रिकॉर्डिंग कर ली और पब्लिक में उसे रिलीज कर दिया, और एफआईआर भी की थी इन्होंने मुलायम सिंह के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे रेप का आरोप भी लगा था एक तरह से, ये कहते हैं कि इनके ऊपर मुलायम सिंह के मामले में जो मुलायम सिंह पर इन्होंने किया था उसके बदले की भावना ही रखकर मुलायम सिंह के द्वारा इस तरह का कोई षड्यंत्र रच के रेप का आरोप लगाया गया था। इसमें भी ये देखिए एक तरह से ये कहते हैं मनगढ़ंत कहानी है, फर्जी ये केस है। फिर आपने देखा होगा कि एक कारण से और काफी विवादों में रहे। फेसबुक के खिलाफ इन्होंने दर्ज एक मतलब एफआईआर दर्ज कराई थी, और ये मामला है आप देखिए कि ये मामला एक फेसबुक पेज था आई हेट गांधी के नाम से। इस पर क्या हुआ था कि इस पेज में गांधी के खिलाफ अभद्रतापूर्ण टिप्पणी की गई थी, और इसी को लेकर ये पुलिस थाने गए और एक तरह से एफआईआर करवाई। और उसके बाद आप देखेंगे कि इस फेस को फेसबुक ग्रुप को प्रतिबंधित भी कर दिया गया था। और उसके बाद आप देखेंगे इनकी काफी एक तरह से बाय बाय लूटी हुई थी, समझ रहे हैं। आपने देखा होगा एक 2015 में आपका वर्ल्ड कप चल रहा था, और सेमीफाइनल में आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया से भारत हार गया था, तो उस समय इन्होंने धोनी को 100 माफ करिए 1,000 का चेक भेजा था, समझ रहे हैं, इनाम के रूप में एक तरह से आप कह सकते हैं। और भी ये विवादों में जुड़े रहे हैं। मुन्नी बदनाम और शीला की जवानी जैसी फिल्मों और गानों पर बैन लगाने के लिए हाईकोर्ट भी गए हुए हैं। आप देखते हैं कि ये गाना है ना मुन्नी बदनाम शीला की जवानी, इनको लेकर ये हाईकोर्ट भी गए हुए हैं कि इन पर बैन लगना चाहिए, इन्हें रोकना चाहिए। तो इनसे भी काफी विवाद रहा है। एक और काफी विवाद रहा है, आप सभी जानते हैं कि 2020 में एक घटना घटी थी उत्तर प्रदेश में,
कानपुर में विक्रू कांड, जो विकास दुबे था, इसने आपने देखा होगा कुछ पुलिस वालों को मार दिया था। तो इन्होंने एक तरह से बयान दिया था कि विकास दुबे के सरेंडर करते ही वह मारा जाएगा, यानी कि उसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा। यानी कि आप समझिए कि एक तरह से आप सोचिए, इनका कहना था कि एक तरह से फर्जी एनकाउंटर कर दिया जाएगा। यहाँ इनका मानना था कि एक तरह से उसे पकड़ के कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और भी जो इसमें शामिल हैं लोग, उनके बारे में पता लगना चाहिए कि कौन कौन सी बड़ी बड़ी हस्तियाँ इसमें शामिल हैं। क्योंकि आप देखिए कि विकास दुबे का सपोर्ट तो मुझे लगता है कि भारत में कोई भी ना करता, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपराध किया हुआ था वो माफी के काबिल था ही नहीं। लेकिन आप देखिए कि विकास दुबे की कहानी खत्म हुई, उसके बाद आप देखिए कोई समझ में ही नहीं आया। क्योंकि आप देखते, अगर वो रहता तो कई बड़ी हस्तियों के नाम भी सामने आते, मालूम भी चलता कि आखिर उसे इतनी मदद, इतना हौसला उसे आया कहाँ से था। तो ये कहानी है आपके अमिताभ ठाकुर की, ठीक है। ईमानदारी की मिसाल तो है, ये तो मानना पड़ेगा।